नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हाथरस कांड पर अब सीधे अदालत की नजर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार को बयान दर्ज कराने के लिए आज बुलाया है। परिवार अदालत पहुंच चुका है। जिन अधिकारियों को तलब किया गया है वो सब भी इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार के 5 सदस्य इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में पीड़ित परिवार अपनी पूरी आपबीती अदालत के सामने सुनाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये बयान दर्ज किया जाएगा और इस दौरान तमाम अधिकारी जो इस जांच का हिस्सा रहे, जिन्हें अदालत ने तलब किया, वो सब भी अदालत पहुंच चुके हैं। वो भी कोर्ट परिसर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ अदालत में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ हाथरस के गांव में सीबीआई की टीम पहुंची हुई है तफ्तीश करने के लिए। सीबीआई ने भी इस मामले की पड़ताल अब शुरू कर दी है। तो हाईकोर्ट तक अब हाथरस की गूंज पहुंच चुकी है। पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया अब से थोड़ी देर के बाद अदालत में शुरू हो जाएगी। 5 सदस्य परिवार के पहुंचे हैं हाथरस मामले में हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। इसी जगह पर सीबीआई की जो टीम है वो यहां पर आ सकती है। सीन ऑफ क्राइम की ये वो जगह है जहां पर 14 सितंबर को पीड़िता के साथ आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सीबीआई की टीम कुछ देर बाद यहां पर पहुंच सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई इससे पहले कल 3 बजे के आसपास हाथरस में पहुंची थी और यहां पर तमाम लोगों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद थाने से जो वो एफआईआर की डिटेल, इसके अलावा दस्तावेज अपने हाथों में लिया। उसके बाद सीबीआई की टीम, जो स्पेशल टीम गठित की गई है, वो अधिकारी हाथरस जिले में मौजूद हैं और कई अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी यह है कि एसआईटी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी सीबीआई के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। एसआईटी के अधिकारियों ने किस तरीके की जांच की और उनकी विस्तृत रिपोर्ट किस तरीके की है, इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारी हासिल की जा रही है। वहीं आपको दिखा दें कि ये जो सीन ऑफ क्राइम वाली जगह है, यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि सीबीआई की टीम आज यहां पर आ सकती है और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकती है कि आखिर 14 तारीख को किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके अलावा सीबीआई के पास पुलिस का वो वीडियो भी है जिसके आधार पर वो तफ्तीश करेगी। तो आपको सीधे लेकर चलेंगे हाथरस, जहां हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर लाइव मौजूद हैं हमारे साथ, और साथ ही लेकर चल रहे हैं आपको लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में, जहां शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही कुमार अभिषेक भी लखनऊ से हमारे साथ इस समय लाइव हो चुके हैं। शिवेंद्र, क्या चल रहा है अदालत में? देखिए, अदालत में जो पीड़ित का परिवार है रोहित, वो मौजूद है। अभी शुरुआती बातचीत करने के लिए शुरुआत हुई है। अदालत ने उनसे पूछा उनका क्या पक्ष है। इसमें अभी बहुत शुरुआती जानकारी जो आई है वो जो इस बारे में है कि परिवार का मेन कंसर्न ये था कि आखिरकार लड़की को का अंतिम संस्कार बगैर उनकी मर्जी से क्यों किया गया, उसके पीछे मंशा क्या थी। हालांकि पुलिस का पक्ष अभी अदालत ने नहीं सुना है। पुलिस के अधिकारी जो मौजूद है उनसे कुछ भी बात नहीं की है, लेकिन पीड़िता की तरफ से जो लोग हैं उनमें जो भाभी है उनकी, उन्होंने ये बात बोली है कि आखिरकार अंतिम संस्कार क्यों किया गया। और इसके अलावा कई और चीजें हैं जो कही गई हैं, जिनमें से एक बात खास और भी है कि शुरुआत में जब उन्होंने शिकायत की तो उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात का भी डर जताया है कि उनके खिलाफ जो साजिश चल रही है, वहां पर पंचायतें हो रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो फंसाने की कोशिश की जा सकती है और उस पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, पुलिस ने इसमें मदद नहीं की है। सुरक्षा को लेकर के जो बात की थी उस पर अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के बारे में भी अदालत जानना चाहेगी कि आखिरकार सुरक्षा को लेकर जो उनकी चिंता थी उस पर किस तरह से पुलिस ने उनको जो भी कदम उठाया है क्या उससे सेटिस्फाइड है। लेकिन रोहित, बहुत शुरुआती, अब से कुछ देर पहले ही परिवार पहुंचा है और अभी शुरुआती ही बातचीत हुई है, जिस बात में 2-3 बातें अभी सिर्फ डिस्कस हुई हैं। और जाहिर सी बात है अदालत में इस वक्त पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी इस पर जवाब दिया जाएगा कि आखिरकार क्या वजह थी कि रात में अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार किया गया, परिवार को शामिल नहीं किया गया। हालांकि पुलिस पहले कहती रही कि परिवार का हमने कंसेंट लिया था, लेकिन परिवार वालों ने साफ तौर पर इस पर पहली ही शुरुआत में इस बात पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार पुलिस ने ये बात गलत
बोली थी कि उन्होंने परिवार का कंसेंट लिया था, उन्होंने नहीं लिया था, ये परिवार ने फिर से दोहराया, लगातार कहता है, लेकिन अदालत के सामने कहना बड़ी बात है क्योंकि अदालत इस पर कोई सख्त रुख या आगे का निर्देश भी दे सकती है। शुरुआती अभी बातचीत शुरू हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई, लेकिन जो उनके कंसर्न थे शुरू से, जिस पर वो बार बार कह रहे थे कि साजिश है उनके खिलाफ हो सकती है, उनको फंसाया जा सकता है, उनको उनको खतरा पैदा हो सकता है सुरक्षा को लेकर, उनको उनकी बात नहीं सुनी गई, क्रिमेशन क्यों किया गया, तो शायद परिवार अब इसी ही लाइन पर बात करेगा और इन्हीं सारे बिंदुओं पर सरकार की तरफ से जो लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनसे जवाब अदालत देना चाहेगी और उसी के हिसाब से आगे निर्देश भी दिया जाएगा। बिल्कुल, अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में? अभी तक की जो पूरी परिस्थिति है वो दोनों तरफ से लगातार, क्योंकि शुरुआत में पहले बलात्कार का आरोप और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम, और फिर दूसरी तरफ से आरोपी पक्ष के लोगों का चिट्ठी लिखना जेल के अंदर से, फिर गांव के लोगों का खड़े होना उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, और ये कहना कि नहीं, जैसी चीजें बताई जा रही हैं असल में वैसा नहीं है। वकील क्या कह रहे हैं, अदालत में क्या कुछ हो रहा है? देखिए रोहित, 2:15 इस सुनवाई के लिए वक्त तय किया गया था और उसके ठीक पहले ये तमाम लोग, 5 लोग परिवार के और जो आला अधिकारियों का एक दल था उसमें भी 5 लोग, ये सब के सब कोर्ट परिसर में पहुंच चुके थे। पहले परिवार को सुनना था और उसके बाद जो प्रशासन है, जो आला अधिकारी हैं, वो इस पर बोलने वाले हैं। तो जैसा शिवेंद्र बता रहे थे कि परिवार वालों ने अपना पक्ष पूरी तरीके से रखा है, जो सीमा इनकी वकील हैं सीमा कुशवाहा, उनको वो कुछ देर पहले आई थी कोर्ट परिसर, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है क्योंकि अदालत ने सिर्फ परिवार को बुलाया है और ये पूरा का पूरा मामला सुओ मोटो है, यानी कि स्वतः संज्ञान लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जिस दिन ये पीड़िता का शव रात को जलाया गया था, उसके बाद जब इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स आई, मीडिया में छपा, उसके बाद कोर्ट ने पूरा का पूरा संज्ञान लिया था और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको उसके घर पर भेजा था। तो दोनों तरीके से कोर्ट इस मामले में एक फीडबैक ले रहा था। तो परिवार को बुलाकर, जिसको कहते हैं ना हॉर्सेज माउथ, सीधे परिवार से सुनने की जो बात थी वो इस वक्त चल रही है कोर्ट में, और साथ साथ अदालत ने जो प्रशासन के लोग हैं, आला अधिकारी हैं टॉप, जिसमें DGP, होम सेक्रेटरी, ADG, लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम लोगों से ये बात जानेगी दो पक्ष की, आखिर उस रात को क्या हुआ, क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि जब पीड़िता के शव को रात को दाह संस्कार करना पड़ा, और दूसरी बात यह कि जो पीड़ित परिवार है उसके कंसर्न को लेकर इन्होंने क्या किया है, यानी कि उसकी सुरक्षा को लेकर, या फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि इतनी ज़्यादा सुरक्षा कर दी गई कि वो किसी से मिल नहीं पा रहे, साथ साथ पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई। तो इन तमाम बातों को अदालत, जो योगी सरकार का प्रशासन है, उससे पूछ सकता है। सिर्फ 3 बजे तक का टाइम मुकर्रर था, यानी कि 45 मिनट में दोनों लोगों को अपनी अपनी बातें रखनी थी और उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट इस मामले में कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई स्ट्रक्चर जारी करे। हमें इंतज़ार करना होगा क्योंकि इस वक्त जो कोर्ट के भीतर का की स्थिति है उसमें किसी को इजाज़त नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सीमा कुशवाहा हैं उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया था, वो काफ़ी कुछ कह रही थी कि उनके पास परिवार के तरफ से लिख करके दिया है कि वो कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन इस वक्त परिवार के लोग, प्रशासन के लोग, सरकार के तरफ से जो सरकार के वकील होते हैं सीनियर मोस्ट, वो हैं और इक्के दुक्के और लोग मौजूद हैं। जैसे ही ये पूरा का पूरा निकल करके आता है कोर्ट रूम के बाहर, उसके बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी कि कोर्ट में आखिरकार क्या हुआ है। रोहित, वापस आपके पास आते हैं, जरा एक बार चले चलते हैं सीधे लखनऊ से हाथरस, जहां CBI की टीम इस वक्त मौजूद है और CBI की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी है, वहां क्या चल रहा है हाथरस में? जितेंद्र, देखिए रोहित, हाथरस में CBI की टीम कल ही पहुंच गई थी और CBI की टीम चंदपा थाने में, जहां पर 14 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी, उस थाने में जाकर के सारे डॉक्यूमेंट वहां से कलेक्ट कर लिए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि CBI की टीम के लोगों ने जो चंदपा थाने में CCTV फुटेज था उसको भी अपने कब्जे में किया है। CBI की टीम यहां कैंप कर रही है हाथरस में, लेकिन अभी वो गांव का दौरा नहीं कर पाई है, गांव नहीं पहुंची है जहां पर
सीन ऑफ क्राइम हुआ था जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। तो सीबीआई की टीम आज या कल वहां पर पहुंच सकती है। जानकारी ये भी है कि फॉरेंसिक टीम के साथ सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचेगी और बहुत सारे सबूत तलाशने की कोशिश वहां पर करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के एक तेज तर्रार ऑफिसर को यहां पर भेजा गया है सीबीआई की टीम की तरफ से, और पूरी जो टीम है वो इस वक्त हाथरस में कैंप कर रही है। जल्द ही इस पूरे मामले में अलग अलग जगहों पर जाकर के छानबीन करेगी। जानकारी ये मिली है कि एसआईटी ने जो पूरी जांच की है अभी तक इस पूरे मामले में, उनसे उन्होंने पूरी जानकारी ली है। उन अधिकारियों से भी मुलाकात किया है सीबीआई की टीम ने, और एसआईटी की क्या क्या अभी तक उन्होंने छानबीन की है उस पर उन्होंने बातचीत किया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से, यानी कि जो उनकी टीम है उसके हिसाब से, जो अलग अलग जगहों पर गांव में जाकर के इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। रोहित, चलिए वापस आते हैं जितेंद्र आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है जहां अदालत में सुनवाई चल रही है। आज इंसाफ की एक नई राह खुलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जघन्य वारदात पर संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में बुलाया है। पीड़ित परिवार का बयान हाईकोर्ट में आज दर्ज हो रहा है और अदालत के सामने पूरी तस्वीर साफ होगी कि हाथरस केस में अब तक क्या क्या हुआ और जो कुछ हुआ वो कितना सही या कितना गलत हुआ। हाथरस पर इंसाफ की ये नई लड़ाई है। बुलगड़ी गांव की सीमा पीछे छूट चुकी है। जंग का दायरा पीड़िता के आंगन की दहलीज से अदालत के अहाते तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे बढ़कर हैवानियत की हद पार कर देने वाले हाथरस कांड में दखल देने की ठानी। पीड़ित परिवार को अपनी बात रखने के लिए बुलाया। जो भी पूरे तथ्य हैं 14 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, वो तमाम तथ्य रखे जाएंगे। पुलिस ने किस तरीके से हीला हवाली इस पूरे मामले में किया है उसकी भी जानकारी ये कोर्ट के सामने देंगे। तो सारे बयान ये लोग कोर्ट में देंगे। पीड़िता का तकरीबन पूरा परिवार पेशी के लिए सुबह सुबह गांव से रवाना हुआ। हाई कोर्ट की मामले पर नजर है, सो कदम कदम पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। मजिस्ट्रेट खुद परिवार को लेकर लखनऊ निकले। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी साथ थे, और साथ में था 6 गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। अभी करीब 2:30 बजे के आसपास कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफिला मिनट दर मिनट और जो पल पल लखनऊ की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ये काफिला है उसको पूरी सुरक्षा मार्गों के साथ जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं जो कि यूपी पुलिस के अधिकारी हैं। इसके अलावा एसडीएम है, सीओ है, और जो लोकल पुलिस है वो भी एस्कॉर्ट करने के लिए है। हाई कोर्ट में पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों का बयान दर्ज होना है, जिनमें पीड़िता की मां, पीड़िता के पिता, दोनों भाई, भाभी शामिल हैं। पीड़ित परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन परिवार ने रात में जाने से इनकार कर दिया। पहले भी परिवार हाई कोर्ट में पेशी पर सुरक्षा का डर दिखा चुका था। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई है हमारी, उसके बारे में बताएंगे कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चार प्रबंध है। ये तो देखो जाएंगे जब लगेगा तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले जाने लाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूरे अमले को तलब किया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर भी शामिल हैं। यूपी पुलिस और प्रशासन को इस मामले में कई संगीन सवालों का जवाब देना है। जब परिवार अदालत को आप बीती बताएगा तो शायद पुलिस और प्रशासन से भी जवाब मांगा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आधी रात को अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्यों की गई, और ये भी कि परिवार को अभी तक अपनी सुरक्षा का भरोसा क्यों नहीं हो रहा। हो गया था, आज आप सभी लोग शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाईकोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, तो जो भी है बताएंगे हम लोग। हाथरस कांड में अदालत की ये पहल उम्मीद की रोशनी देने वाला है कि शायद इंसाफ की लड़ाई सही रास्ते और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हाथरस से राजेश सिंगल, शिवेंद्र श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आपको लेकर चलेंगे लखनऊ, बताएंगे अदालत में क्या चल रहा है। अदालत के सामने पहली बार पीड़ित परिवार होगा और रखेगा अपनी बात, क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में उनके साथ। अभिषेक बताएंगे, वहां से लगातार अपडेट देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक।